अपने एक मिनट डाल मत डाल मत डाल मत, दिखाने दे 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 दे, मैं जा रहा हूँ उधर, और बड़ा है तो यहाँ पे और फिश रहेगा। तो गोभी फिश था ना वो, वाओ फाइनली गोभी फिश मिल गया रे। तो इस बार्ब को देखो, ये एक्चुअली नेट में ऐसा फंसा था, तो ये एक्चुअली बचाने की कोशिश किया इसने बहुत ज़्यादा। देखो इसमें कैसा रेड कलर का एक स्ट्राइप है एंड एक स्पॉट भी है, इतना सुंदर बार्ब। एंड दीप ज्योति इसको बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन ये बच नहीं पाया क्योंकि नेट में इससे फंस गया था। मेरे को बहुत दुखी हो रहा है क्योंकि मैंने ऐसे इस तरह के कलर का फिश तो बिल्कुल नहीं देखा है जिंदा, वो भी यहाँ से। कहाँ से पकड़ा पता है वो? यहाँ से। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी ऑफ फिश है देखो। अभी ये वाला लिखा है ना, हाँ बार्ब दोस्तों से क्या करें, बहुत दुख लग रहा है मुझे। फाइनली गोभी फिश मिल गया, वाह यार कब से ढूंढ रहे थे, एकदम से देखो कितना प्यारा है ना, ये मिल गया। ये इतना नीचे है, उतरेंगे कैसे? रुको मैं पहले उतर लेता हूँ, नहीं तो गिर जाऊँगा, इस पकेट को लेकर ही गिरूँगा। क्या आया है? तिलापिया का फ्राइज आया क्या? दिखा तिलापिया का फ्राइज दिख रहे थे पहले मुझे। जा रहा इसे हाथे धरो, एक मिनट हाथे धरो। वाह तेलापिया का फ्राइज आ गया यार। ये क्या, ये क्या पफर है क्या? देख तो को ये क्या, ये भी तेलापिया है बड़ा वाला। नाइस नाइस, भाग रहा है, भाग रहा जल्दी। यहाँ पे एक और है तेलापिया के फ्राइज, कितने प्यारे देख। अगर है तो एक 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 बार नहीं, नीचे उतर गया हूँ। और यहाँ पे ऐसे कलेक्शन मिल रहा है, तो देखा ना आप लोग गाइस, हम लोग एवरी डे और जो भी फिशिंग में जा रहे हैं अलग अलग कलेक्शन ही लेकर आ रहे हैं। दिख रहा है क्या कुछ? इतने सारे तिलापिया का फ्राइज मिल गया यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे कम से कम 5-6 मिल गया तिलापिया का फ्राइज। चलो बहुत बढ़िया फिश है ये, देखो ट्रांसपेरेंट फिश, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाला है। और कलर भी देखिए इसका कितना प्यारा है, येलो टाइप का, टेल भी इसका बहुत प्यारा है। चलो भाई यहीं पे ट्राई करना, यहीं पे ट्राई कर, इस जगह पे आगे ये यहाँ पे ट्राई करना, इसके ऊपर मार देना यहाँ पे, कुछ नहीं होता, वो जंगल के साथ आएगा ना। जल्दी कर जल्दी कर, पहले से घिरने दे। हाँ अब स्लोली खींच के ले क्या, वो फिश ना, वो जो प्लांट्स है ना उसमें फंस जाते हैं। मुझे बस वो बार्ब चाहिए रे, वो बार्ब इतना प्यारा बार्ब है ना क्या बताऊँ, वो बार्ब चाहिए मुझे, लेकर आ देखते हैं। जल्दी आ देखते हैं क्या है, निकल भी सकता है, रह भी सकता है। ये तो पूरा ये आया है तेलापिया का फ्राइज, तेलापिया का फ्राइज कितना आया हुआ है, जो भी हो अच्छा है। देखो इतना तेलापिया का फ्राइज है ना, वो बार्ब नहीं आया ना, डाल देता हूँ। इधर जा रहा है, कितना दूर जा रहा है, यहाँ पे क्या था, देखो कैसा गोल हो जाता है पूरा। कुछ नहीं आया क्या, पत्ते के नीचे से निकल गया शायद। करा यार रेड वाला चाहिए रे, मिल क्यों नहीं रहा है वो? अच्छा। एक मिला था वो भी एकदम से मर गया ना। क्या आया? तेलापिया ना, तेलापिया का फ्राइज तो बहुत है यहाँ पे, देखते हैं। देखा कहाँ है रे वो बार, बहुत रेयर है वो, बहुत रेयर है, मिलता ही नहीं है, नहीं आया। चंदा ये रहा पे है को, ओ बार देख दोस्तों, सच में यार वो रेड कलर का बार बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। ये रामटी की माछ क्या हुआ? ये है ये श्रिंप, प्लास्टिक क्या क्या लोग फेंक के रखते हैं, देख तो है क्या कुछ। बार आया कि नहीं पता पहले मुझे नहीं पता, लेकिन चांद था। दिखा दिखा साइज, ओ वाह अच्छा है। देखो दोस्तों ये ट्रांसपेरेंट फिश,
एंड थोड़ा सा रेड रेड कलर भी है ना, कितना प्यारा है। जल्दी दिखा दे क्या हो रहा है वो, और क्या क्या है देख तो इधर। यार तेलापिया तो बहुत मिल गया, मज़ा आ रहा है रे सच में। तेलापिया के फ्राइज और गोभी फिश भी मिला है, बहुत मज़ा आ गया। दोस्तों आप देख पा रहे हो हमारी फिशिंग शुरू हो गई है। दीप तो गया है नीचे, क्या यार है, हम लोग आ रहे हैं और आज हो रही ट्रिपल फिशिंग। चल नीचे जा। बड़ा कुछ आया, चल नीचे चलते देखते हैं। पहले क्या आया, वो इसके फ्राइज आए ना, तेलापिया के फ्राइज आ गए। एक तेलापिया आया ना सिर्फ, ओके एक तेलापिया डाल दे। स्टार्टिंग है दोस्तों, देखते क्या क्या आता है। यहाँ पे एक और तेलापिया, ये देखो तेलापिया कितना आया, तीन तीन और आ। रुको देखते हैं और क्या क्या है इसमें। ये देखिए एक और आया, सब तेलापिया के फ्राई से। ओ देखो उधर एक और आया, बहुत सारा आया हुआ है रे। ये रहा एक और, हाँ वो छोटा वाला, छोटा वाला ले ले। ट्रांसपेरेंट टेट्रा कहाँ गया, रिवर वाला देखा, सब सेम साइज के आ गया। देखा इसमें बाप रे, और ये काफी बड़े होते हैं। ये रहे गिरा इधर, गिरा देखो ना कितना सारा है ना, और ये कितने बड़े होते हैं तेलापिया। मेरे को वो बाप चाहिए रे, रेड वाला बाप चाहिए। क्या बोल रहा है सच में, कौन सा वाला, कल वो वाला बार्ब जिसमें रेड कलर का स्ट्राइप्स है। इस बार मारना मत रे, स्लोली निकाल, देखते दोस्त। नहीं 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 ये वो नहीं है रे, कल वो दूसरा था, ये नॉर्मल है दिखा, ये नॉर्मल वाला है। तुम देखता बोरो चपन, ऑरेंज कलर देख, ऑरेंज कलर वाला चाहिए हाँ, जिसमें स्ट्राइप्स है। एक तो बोरो चपन ऑरेंज, नहीं वो नहीं है, कल वाला दूसरा। देखता बोरो चपन को देखता, हाँ एक बड़ा तेलापिया देखा था मैंने भी, देखा हाँ ठीक है अच्छा सा देखा, नाइस। ए हम लोग उस बाग की खोज में है, दिखा दो। पर वो रेड वाला बाप फिर भी नहीं आया, एक लाइन थी का थोड़ा नाले एटा। आई थिंक वो एक बहुत ही यूनिक रेयर कलेक्शन था, पर ये अच्छे हैं दिखने में तो, बहुत बहुत प्यारे हैं दिखा, बड़ा वाला पर रेड नहीं है। काफ़ी सारे फिश हो गए, थोड़ा सा नेट से मतलब कि हैंड वाले नेट से थोड़ा सा ट्राई चलेगा, लेकर जाके उठा कर लेकर आएंगे अगर इसमें फिश रहेगा तो। मुझे वो वाला बाप चाहिए रेड वाला, चल आगे चलते हैं। इनमें बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन रहते हैं आप लोगों को पता है। ऊपर नहीं सर, यही यही नहीं था पता ऊपर जाए ना, ये मास क्या 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 गोराई मास, स्नेक हेड, एक स्नेक हेड मिला और कुछ, हाँ एक बड़ा सा क्रेफिश आया। ओके किट लेके चलते पहले, दोनों स्नेक हेड के बच्चे हैं ना, बहुत है फ्राई। जल्दी नीचे से, नीचे से, हाँ सब आ गए, मैं देखा बहुत आया, बहुत आया। खुला सा तोड़, खुला सा साइड था, तोड़ देते सब पूरे कैसे गए, तेरा साइड पूरा खुला हुआ था। झाके दी बना ले, क्या है चिंगड़ी बड़ो, ए ओ देख ये गोरमी, ये गोरमी छोटा, एक उधर एक है, दो दिखा। यहाँ पे गोरमी के बच्चे थे, बहुत सारे आए रे, बहुत सारे। ये देख छोटा सा, ये तो बाप रे इधर आ, ये गोल्डन मेरा फेवरेट, क्या गोल्डन, क्या है गोल्डन बार्ब। और ये गुरामी को देख, खतरनाक लग सी, वाह यार ये गोल्डन, गोल्डन बार्ब, ये ब्लू स्ट्राइप्स में है मतलब कि रेड, और ये देखो कितना प्यारा गुरामी है, और ये हमारा बार्ब गोल्डन कलर का। चलिए गार्डन तो मर जाएंगे,
पूरे फ्राइज के ऊपर इसने नेट मारा है और काफी सारा आना चाहिए ऐसे बोल रहा है। देखते कितना आना चाहिए फिर भी। हाँ झूठ बोला क्या? देखते लेकर आया, मेरे को तो एक भी दिख नहीं रहा है। एक साइड देख सकते हैं जी हम, देख तुम इधर नहीं बहा देखते कोई बहा नहीं। यहाँ से सिर्फ दो ही मिला, पूरा झाके को था सब निकल गया शायद। है भाई ये फिर से गोभी, दिखा साइज दिखा, बाप रे कल से ही बड़ा लग रहा है ये। रुक 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 हाथ में लो, हमें इतना काम, कितना बड़ा है भाई। फिर से एक और गोभी मिल गया, कल एक मिला था आज एक और मिल गया। अच्छा ये बहुत एक्टिव है और तेलापिया के फ्राइज तो मिल ही रहा है, मैं वीडियो इतना कर नहीं रहा हूँ उसके, काफ़ी सारे मिल गए अभी से, अभी तक तो बहुत सारा मिल गया, कम से कम कितने मिले होंगे अभी तक, 20 प्लस फिर से मिल गया। चलो ये हम लोग तेलापिया तो इतना दिखा नहीं रहे बहुत सारे, लेकिन हमारा ये ड्वार्फ गुरमी देखो ये कौन सा, ओ वाव दिखा गाइस कलर देखो, वाव हमारे पास अभी इसके कलेक्शन बहुत सारे हो गए, कितने प्यारे लगते हैं ना। एक्वेरियम में सोचिए कितना सुंदर लगने वाला है, सही में कहीं ना कहीं ये मरीन फिश जैसा लगता है यार, सीरियसली ना। देखते हैं अभी और क्या आता है, क्या 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 तेलापिया ही है ना, ठीक है दूसरा कोई फिश आएगा तो बताना। यहाँ से आए हैं और एक ग्राउंड लगाते हुए अभी इधर जा रहे हैं, देखते इधर क्या मिलता है। नेट को पहले गिरने दे शांति से, कुछ आया? ये सब निकल गया मुझे लग रहा नीचे से। ओ ये ब्लू वाला है, ओ ये तो इसके ये आई थिंक फीमेल है, इसके पेट में एग्स भी है, ब्लू नहीं है ये आई थिंक फीमेल है। नाइस ये हो गया हमारा थर्ड गोभी जो कि मैंने पकड़ा है, अच्छी बात है। इसको निकाल पहले मर जाएगा, गोभी ना की मर, हाँ गोभी है ये, थोड़ा सा इससे कलर थोड़ा अलग है, अच्छा लग रहा है पर डाल दे। और कुछ आया? तो हमारा आज का फिशिंग यहीं पे ख़त्म हो रहा है और अभी हम लोग जाएंगे इधर एक रिवर है जहाँ पे नहाएंगे और फिर घर जाने वाले, क्योंकि बहुत गर्मी लग गई है और काफ़ी सारे फिश हमने कलेक्ट कर लिया आप लोगों को पता है। दिखा, ओ वाव आई थिंक इसमें कलर नहीं आया अभी तक, ये ले पकड़े, फीमेल होगा ये। और उसके बाद हम जाने वाले हैं घर। ये कौन सा फिश है दिखा? लेकिन वो बार्ब मिला ही नहीं ना जो मैं ढूंढ रहा था, नहीं मिला गाइस वो बार्ब, वही बार्ब है क्या? नहीं पुल लो, पुल लो इसने पोर्शन। तो फाइनली रेड मिल गया, डाल 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 डाल, फाइनली फाइनली मिला है, वाओ। एक ये नहीं है, अच्छा ये शायद मुझे लग रहा है कि मेल है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये क्यों रेड है, देखो देख रहे हो वाओ। और तू इसी को फेंक रहा था अभी फिर से नहीं देखकर, ये लोग ऐसे ही करते हैं। जो भी ये मुझे मिल गया फाइनली, इसको मैं भी उस पानी में रख देता हूँ उनके साथ, इसको अलग से लेते हैं। वो इसमें था पानी डालते तो ठंडा, और थोड़ा सा जंगल डाल दे इसमें, देखा तुम्हें ठंडा डालने पानी के लिए तो ये यहाँ फंसे हैं ये सब छोटे वाले, ये देख रहे फिश में आई यहीं पे था। तो यहाँ पे बहुत फिश है दोस्तों, आप देख पा रहे हो पानी गर्म हो गया ना, पानी अभी थोड़ा सा हमें ठंडा डालना पड़ेगा। और बहुत सारे फिश हैं यहाँ पे, बहुत 50 से भी ज़्यादा फिश हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने ये बर्फ को रखा हुआ है जो बहुत मुश्किल से मिला, देखो रेड, बाप रे हर्लिक्विन रासपोरा जैसा लग रहा है मुझे ये, इतना खूबसूरत बार्ब है यार, इस चीज़ का अलग से रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डाल देते हैं और अभी निकलते हैं नहाएंगे, पर उस रिवर से पानी डालेगा तो मर जाएंगे शायद, ये देखते हैं ट्राई करके। आया ये जाने के वक्त हमने एक बार ट्राई करके जा रहे थे, लेकर आ फिर से गोभी, चौथा गोभी एक बाली मारती, ये देख तेलापिया का बड़ा वाला, हमको सुना तेलापिया झाके मारसलम। और ये है गोभी, कितना बड़ा गोभी है ये, देखो क्या है, ये भी है तेलापिया, एक मुट्ठी एक साइज गोभी, गोभी कितना सारा आया रे आज तो, तीन कल का एक है चार, बढ़िया। यहाँ पे पूरा गोभी का ही मतलब घर है शायद, एक खंडा मार ले क्या यहाँ पे, और क्या देख तेलापिया, उसका ग्रुप में मारा था मैं देख के, एक ही ग्रुप में
चार पांच आ गया ना एक साथ। चल और नहीं है शायद, और है क्या, ये रहा, दिखा। ठीक है भाई चलो फिर, इससे बहुत फिश हो गया, ओवरक्राउड हो जाएगा। और यहाँ पे तीन है, फिर से ये मार रहा है, देखते हैं। देखो बच्चो, और क्या है, गोभी है क्या, देखो और भी। हेलो, जा ही नहीं पा रहे दीप ज्योति, लास्ट लास्ट बोलते बोलते और एक। दोस्तों हम लोगों ने दो दिन थोड़ी देर फिशिंग किया था, एक्चुअली फिश कलेक्ट करने के लिए हम लोग गए थे, तो ये सारे फिश हम लेकर आए। ये सेकंड डे का है, फर्स्ट डे का तो हम लोग लाकर छोड़ ही दिए थे, मैंने शॉर्ट्स में भी दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हो गोभी फिश मिला हुआ है, कोई मुझे सब्सक्राइबर कहता है आप गोभी फिश पकड़ो, तो अभी ना ऐसा हो गया कि पहले दिन एक मिला और आज कुछ तीन मिल गया, मतलब टोटल हमारे पास चार गोभी फिश हो गए और ये काफी सुंदर भी लगते हैं जिसके आप देख ही पा रहे हो। तो अब इनको हम स्लोली जो है यहाँ पे छोड़ देंगे इस पॉन्ड में, तो इस पॉन्ड में तो चार गोभी फिश चार है, इससे ज्यादा गोभी फिश हम छोड़ने वाले हैं नहीं। वैसे अच्छे लगते हैं देखो आप, और इनमें स्ट्राइप्स भी है। मेरे हिसाब से बाद में एक गोभी फिश उठाकर मैं टैंक में डालने वाला हूँ। ज्वार्फ गुरमेस का अभी सीजन चल रहा है, तो मैं सोच रहा कि इनको लेकर पकड़कर अभी मैं कलेक्शन करके रखूँ और मैंने पॉन्ड में रखूँ ताकि ब्रीडिंग वगैरह हो, जबकि ऑफ सीजन हो जाएगा ना तब शायद ये मिलेंगे नहीं। वैसे ये बताओ, ये जो फिश मैं पकड़ के लेकर आऊँ इनको नहीं तो कोई और पकड़ के लेके जाएगा, बाजार में बेच देंगे, तो उससे अच्छा कि ये मेरे पास ही रहे, हमारे सब्सक्राइबर्स को मिल जाए, एटलीस्ट वो बचा तो पाएंगे, उनके साथ रह पाएंगे एंड उनका हॉबी भी पूरा हो रहा है। एंड फिर फाइनली गाइस, ये रेड स्ट्राइप वाला जो आप देख रहे हो बार्ब, इसको मैंने छोड़ दिया, और यहाँ पे हमारे बैडिश, बाप रे यार ये तो बिल्कुल वाइल्ड बेटा से भी सुंदर लग रहा है, और इसके नीचे सारे पफर्स छुपे हुए देखो। अभी पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये बार्ब, ये अभी दो तीन दिन के बाद और अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभी अभी ये पकड़ के हम लेकर आए हैं। एंड यहाँ पे तीनों के तीनों पफर्स आप देख पा रहे हो किस तरीके से छुपे हुए अंदर, बहुत ही क्यूट लग रहा है। और ये हमारा एक बैडिश। तो दोस्तों फिशिंग वगैरह तो हो गया है, और आप लोग को मुझे दिखा था अपना गोल्ड फिश टैंक, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमें दो कोई फिश भी मिला था गिफ्ट, जो मैंने शॉर्ट्स में दिया हुआ था, और इनकी ग्रोथ भी आप देख पा रहे हो बहुत अच्छा हो रहा है। और इस टैंक को आज ही मैंने क्लीन किया था, और ये एक लौता हमारे यहाँ पे टेट्रा इनके साथ पूरा घुल मिल गया है। चलो मैं खाना देता हूँ, ये हमारा ही प्रोडक्ट है जो हम लोगों ने लॉन्च किया था, अभी थर्ड बैच चल रहा है, अगर आप लोगों को ऑर्डर करना तो कर सकते हो। तो देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे इनको थोड़ा सा पाउडर करके दे रहा हूँ, और देखना किस तरीके से खाते हैं। एक बार हमारा ये प्रोडक्ट यूज करके देखिए एंड देन आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा, क्योंकि ये सारे हाईली न्यूट्रिशियस वाइल्ड श्रिम्प्स हैं और विदाउट केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, तो एक बार यूज करके आप देख ही सकते हो। आप हमारे फिश की एक्टिवनेस भी देख पा रहे हो कि कितने एक्टिव है और किस तरीके से ये एकदम झपट रहे खाने के लिए, ये आप ऑलमोस्ट सभी फिश को खिला ही सकते हो। हमारा थर्ड बैच चालू है, तो अगर आपको ऑर्डर करना है फेसबुक के पेज पर जाइए और ऑर्डर कर लीजिए, जो लिंक आपको नीचे दिख रहा है। तो चलिए बाय, नए वीडियो लेकर जल्दी वापस आते हैं, बाय, टेक केयर।